फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब्रेंट विनोबा और मैं हूं आपकी शोभा। फ्रेंड्स, क्या आप न्यू मॉम्स हैं और आप कुछ ऐसी हेल्दी ड्रिंक्स के बारे में जानना चाहते हैं जिसको पीने से आपकी रिकवरी आफ्टर सी सेक्शन फास्ट हो और जिसको पीने से लैक्टेशन में भी सपोर्ट मिले और जो आपके बेबी और आप में जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मदरहुड एक ब्यूटीफुल फेस है वुमेन की लाइफ का। बस हमें ये ध्यान रखना है कि कैसे हम अपनी और अपने बेबी की केयर कर सकते हैं। आज मैं आप सबके साथ दो हेल्दी ड्रिंक शेयर करने वाली हूँ जिसे मैंने अपने सी सेक्शन के 3 वीक्स के बाद से रेगुलरली लिया था। ये दोनों ही ड्रिंक्स मेरे लिए तो बहुत बेनिफिशियल रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इनके बारे में आपको भी बताया जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ड्रिंक है अजवाइन और कैरम सीड वाटर। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग अजवाइन एक पावरफुल क्लिंजर है जिसके फुल ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल बेनिफिट्स हैं। इसे हम दो मेथड से रेडी कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में हमें 1 ग्लास ऑफ वाटर लेना है और उसमें 1 टेबलस्पून अजवाइन सीड मिक्स करना है। इस मिक्सचर को अब ओवरनाइट सोक करने के लिए छोड़ देना है। फिर अर्ली मॉर्निंग उठकर खाली पेट इस मिक्सचर को छान करके पी लेना है। आफ्टर सी सेक्शन हमारी बॉडी बहुत वीक होती है और जो हमारा लोअर एरिया होता है वो रिकवर कर रहा होता है। ऐसी सिचुएशन में हमें गैस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर हम अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक इस वाटर को लेते हैं तो ये हमें कॉन्स्टिपेशन से आराम दिलाता है, साथ ही गैस और एसिडिटी में भी आराम दिलाता है। पोस्ट डिलीवरी वेट लॉस करने में हेल्प करता है। डिलीवरी के बाद जो हमें जॉइंट और बैक पेन हो जाता है उसमें भी रिलीफ दे करता है। मदर और बेबी दोनों की इम्यूनिटी को इन्हेंस करता है। अजवाइन वाटर बनाने का ये सेकेंड मेथड है। जब कभी मैं रात को अजवाइन भिगाना भूल जाती थी तो मॉर्निंग में मैं इसे इस मेथड से तैयार करती थी। इसके लिए हम एक खाली पैन में वाटर लेंगे, 1 ग्लास ऑफ वाटर लेंगे और उसमें 1 टेबलस्पून अजवाइन सीड मिक्स करेंगे और इसे बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे और जब तक हमारा मिक्सचर आधा ना हो जाए तब तक इसे बॉयल करेंगे। फिर इसे छान करके हम यूज़ कर सकते हैं। अजवाइन वाटर हम गुनगुना लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सेकेंड ड्रिंक है क्यूमन सीड या जीरा वाटर। जीरा वाटर पोस्ट डिलीवरी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। ये लैक्टेटिंग मदर्स में ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। ये इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1 ग्लास ऑफ वाटर और उसमें हम ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून जीरा सीड और इसे ओवरनाइट सोक करने के लिए छोड़ देंगे। मॉर्निंग में उठकर इस मिक्सचर को हम छानेंगे और गुनगुना करके इसे हम पूरा दिन थोड़ा थोड़ा करके लेते रहेंगे। मेरी मम्मी क्या करती थी कि इसको पानी को तैयार करके थर्मस में भरकर मेरे जहाँ मैं बैठती थी वहाँ रख देती थी और मुझे बोलती थी कि मैं थोड़ा थोड़ा पूरा दिन पीती रहूँ। इसे हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। सेकेंड मेथड में हमें 1 ग्लास ऑफ वाटर लेना है और उसमें 1.5 टेबल स्पून जीरा सीड मिक्स करना है और इसे बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक इसमें अच्छे से उबाल आ जाए और ये पानी आधा ना रह जाए तब तक इसे उबालते रहेंगे। उसके बाद इसे छानकर हल्का गुनगुना होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये हल्का गुनगुना हो जाएगा तो इसे हम थर्मस में भरकर या किसी बॉटल में भरकर अपने लिए रख सकते हैं और इसे हम पूरा दिन थोड़ा थोड़ा करके पीते रह सकते हैं। जीरा वाटर पोस्ट डिलीवरी डाइजेशन को बूस्ट करता है। ये गुड सोर्स ऑफ आयरन है तो हीमोग्लोबिन के लेवल को अप रखता है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और साथ ही हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। और इसका मेन इंपॉर्टेंट बेनिफिट तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये मदर के मिल्क प्रोडक्शन को इनक्रीज़ करता है। फ्रेंड्स, ये दोनों ही ड्रिंक पोस्ट डिलीवरी के बाद बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं और सेफ़ भी रहते हैं। मैंने खुद ने अपने सी सेक्शन के 3 वीक्स के बाद से ये दोनों ही ड्रिंक्स रेगुलर बेसिस पर ली थी और अभी तक लेती आ रही हूँ, जिसमें से अजवाइन वाटर को मैंने सुबह एम्प्टी स्टमक लिया था और जीरा वाटर को मेरी मम्मी मुझे बॉटल में भरकर देती थी और मैं उसे पूरा दिन थोड़ा थोड़ा पीती रहती थी। ये मदर और बेबी दोनों के लिए सेफ़ हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।